अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कुछ नहीं होगा बाबा, आप चिंता मत करो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। उनकी तबीयत कैसी है अभी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग मिल सकते हैं उनसे। शुक्रिया। नमस्ते। अरे वो हकीम साहब तो मिले। नहीं, 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 कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। एक मिनट। जहर क्यों खाया आपने? अरे जहर ना खाए तो और क्या करे, गाँव के 9 लोग जहर खाकर मर चुके हैं। अरे बी बच्चों को भूखा मरते देखने से तो अच्छा है खुद ही जहर खाकर मर जाए। मगर ऐसा क्यों? हरा भरा गाँव है, जमीनें तो सबके पास है। जमीनें तो हैं, अनाज भी उगता है और किसान मेहनत भी करते हैं, मगर अनाज पहुंच जाता है सीधा दुर्जन सिंह के गोदाम में। कमाल है हजारी, इतनी जाति हो रही इस गांव में, कोई साला कुछ नहीं कर रहा है। गोदाम कहाँ है? आओ आओ सब आओ आओ, ये है दुर्जन कुत्ते का गोदाम, यहाँ पर रहता है चरम सीमा पे। सालों को याद का मेरा देश आजाद हो गया। एडी, तुम मारपीट क्यों कर रहे हो? हम लोहा सिंह से बात कर लेंगे ना। हाँ, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। 2 मिनट? बंबे बोल 80-90 पूरे सौ समय लगा था गा चुनका कथा। ए फोकट, चल दारू रख। क्या बे? अबे चलना मार। तो दारू चाहिए? पी दारू। ये ले, मेरे देश के गद्दारों पापी है। छोड़ उसको। साले पुलिस वाला होके लूट करने आया है। अरे दुर्जन तो तुझे बाद में देखेगा, पहले तुझे लोहा सिंह का लोहा चखना पड़ेगा। तेरी तो मेरे शहजादे के साथ बदतमीजी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीधी तरह चाबी दे, वरना लोहा पिघला के वस्त्रा बना के उसी से तेरा फिर तू भी हमारी जमात में आ जाएगा। एक तरफ लाली, एक तरफ लोहा, कत्तर दोहा। चाबी दे वरना गुदगुदी करके जान ले लूंगी। चाबी दे। पहले गाड़ी की चाबी, फिर गोदाम की चाबी, ये दिल की चाबी, एक एक करके सारी चाबियां दे दूंगी तुझे। थैंक यू मीठे मेरे तीखे शहजादे। hey, चाबी मिल गई, चलो 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 चलो, चाबी मिल गई। आजा पक्के काट दो। मार दूंगा कोई भी दुश्मन सामने आया तो। इतना सोना। अरे हवन में बैठा हूँ, बाद में फोन करो। अबे गधे, दुर्जन सिंह बोल रहा हूँ। सरदार बोलिए। सरदार, किस चीज का हवन चल रहा है आपका? सरदार मेरा मतलब है आपकी दीर्घायु के लिए यहाँ पे बहुत पवित्र हवन का आयोजन किया गया है सरदार। मेरी लंबी आयु का। अच्छा है, अच्छा है। चलो सब सामान मेरे घोड़े पे लाद दो। लूट लो। शहजादी मुझे कब लूटोगे? चीटा भाई माली माल है। बाकी सब ठीक है ना? बाबा मेरे होते हुए यहाँ क्या हो सकता है, सब कुछ ठीक है। तू देश आजाद हो गया। कदम दाल बोलो, गरीबी हटाओ। गरीबी हट गई तेरी माँ। हेलो हेलो, ये आवाज क्या है? नहीं नहीं, हटाओ गरीबी हटाओ मतलब पंडित जी ने ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि सरदार की सारी गरीबी हटाइए, यही बोल रहे थे। आप अपना काम पूरा करके आइए सरदार, यहाँ आपका तमाम काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। सरदार क्या बोल रहा है? सरदार को हवन हो रहा है ऐसा बोला मैंने। अच्छा, तो हमारा सलाम भी बोलना। आपका काम हो गया? हाँ हो गया, चलते। तू हवन कर। हवन का प्रसाद भी लेके गया। मुझे लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है।
यहाँ ये साला गजराज भी नहीं मिल रहा, मुझे वापस जाना होगा। पर रजिया की तो गायक हो गई। गाय गुंडों में फंसी, रजिया कुत्तों में फंसी। एक मिनट मैं कंफ्यूज हूँ, एक काम कर सब लिख। रजिया गुंडा कुत्ता दोनों तीनों कैसे हो सरकार? अरे आप आप तो हमें भूल ही गए कसम से। नहीं नहीं हम नहीं, आपको ये कैसे भूल सकते हैं, इन्हें तो बचपन से लेके आज तक सब बातें याद हैं। एक एक घटना पूछ लो। बोले ना आप, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? का बताएं, हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। वैसे हम ये बताने आए हैं कि आज चंदनपुर में ना शाम को एक जलसा लगने वाला है। अच्छा, हम नाचने वाले और हमारा नाच देखने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आने वाली। ओ, मतलब पुलिस का बंदोबस्त है? कोई बात नहीं। ए मुरारी बंदोबस्त, मेरा मतलब है बंदोबस्त की तैयारी कर। बंदोबस्त किसका भक्त को चाहिए? तो हमें तो आप चाहिए। अच्छा, मतलब आपके बिना ना तो हमारी घुंघरों में वो छनक होगी, ना हमारी थिरकन में वो नशा। आप आएंगे ना? ओए होए, कहिए ना, हम आएंगे ना, हम सब आएंगे, जरूर आएंगे। अब आप 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 जाओ, हमें आपका इंतजार रहेगा। सब आएंगे, सब आएंगे। घड़ी तो हम भी पहनते हैं लेकिन कोई इंतजार ही नहीं करता साला। लेकिन भैया हम कहीं जाते भी तो नहीं है। हाँ वो भी तो ठीक है, बड़े प्राइवेट टाइप लोग हैं। हस्बैंड वाइफ। हाँ ठीक है फिर, मत आना। पढ़ने में नहीं लागे दिल। अरे यार अंग्रेजी दारू ना, एकदम अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है यार। लग रहा है जैसे सलमान खान चश्मा पहन के जन्नत में बैठे हैं। बीड़ी पी लो, यहीं गिरा पड़ा मिला था। लाइए लाइए। माचिस भी। हाँ प्रकाश बीड़ीज। बीड़ी पीकर स्कॉच कैन सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? सिगरेट क्यों नहीं पीते? क्या सिगरेट? अरे लाना भूल लिया थे। ले आओ ले। चिंता काहे करते हो, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल के दिखा दिया यार। वैसे एक बात बताएं, तो चार दिन में पट जाएगी लड़की। हमने देखा है वो का जो कुलबुलाहट है ना, कुलबुलाहट। तुम लोग यहाँ बैठे कुलबुलाहट कुलबुलाहट खेल रहे हो? अरे तुमने उस लौंडिया कुछ बताया बताया तो नहीं? हम ये पूछ रहे हैं कि वो नौटंकी वाली है ना, उसको नशे में कुछ बोल बोल तो नहीं दिए हो? अरे वो मेरी बीवी है, कहीं तलाक ले लेगी, बोलना तो पड़ेगा ना। क्या बात हुई है? क्या नहीं, इनकी तुम्हारी क्या बात हुई? हाय, इनसे कौन बात करना चाहता है? हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। हम तो आपकी आपकी किसी चीज के बारे में बात हुई। चीज के बारे में मतलब? दिल के बारे में? बैग के बारे में। 50 करोड़ का बैग कुएं के पीछे वाले मकान में जो हम लोगों ने छिपा के रखा है, उसके बारे में तुम्हें इन दोनों बेवड़ों ने कुछ बताया तो नहीं ना? हंसने की बात नहीं है। हाय मेरे भोले सरकार, आपने तो बता दिया ना। हाय मेरी गुल बखावली। इतनी जल्दी क्या है रोजी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानता नहीं हूं कि तुम किस मकसद से यहाँ आई हो? क्या बात है सरकार, आप तो बड़े होशियार निकले, हम तो ऐसे ही आपको लल्लू समझ बैठे थे। क्या है ना, गुड न्यूज ये है कि जिस दुनिया की तुम क्वीन हो उस दुनिया की किंग है। चल बैगला।
I love you. मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बंद करो। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? इतनी रात को कुएं के पास में तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? कुएं के पास कुछ भी तो नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, ये सब उसकी चाल थी। वो जानबूझ के उसने ये सब किया ताकि तुम आओ, ये सब देखो और फिर जल जाओ, और ये पूरा कंफ्यूजन में वो बैग लेके भाग जाए। अरे इतना काहे लड़ रहे हो? अबे वो बैग लेके भाग गई और क्या? कौन सा बैग? डर के वो 50 करोड़ वाला बैग लेके भाग गई वो। तो अरे तो क्या? डायलॉग बाजी बंद करो, बैग ढूंढते हैं। चलो उसे पकड़ दे, बैग लेके आ जाओ। पिल्ले साले, तू मेरी लंबी उम्र का हवन कर रहा था। मेरी लंबी उम्र का हवन कर रहा कुत्ते। मैं तेरा श्राद्ध करूंगा, आज तू मेरी गोली से मरेगा। सरदार, आप मुझे अपनी गोली से जरूर मारिए सरदार। मुझे तो डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा अगर आपकी गोली खाऊंगा तो। लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, क्योंकि मरने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा आपको बात कहने के लिए। बड़े सरदार है ना, उन्होंने पहले गाड़ी झुकवाई फिर अपना गोदाम लुटवाया। हाँ? अभी तो सरदार यहाँ देखिए ना, लोहे जैसे पुलिस को दिल दे बैठे हैं। हाँ? और दिन भर गाना गाते रहते हैं, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। और मरद मरद का प्यार बड़ा खतरनाक होता है सरदार। गोली मारिए। भूल मेरे बाप की और सजा मुझे मिल रही है। कहाँ है बड़े सरदार, कहाँ है? पुंगी बच गई। इस बीएक के लिए हमने बहुत मरा है बेगम, तेरी कसम ये बीएक हमारा है। चल चल निकाल, बाहर निकाल लौंडिया को, निकाल, पकड़ पकड़। नाच गाना दिखा के सारा माल पानी हम लोगों से लेके रफू चक्कर हो जाने वाली थी तू। बीएक लेके भागना इतना आसान नहीं है। हाँ। मेरा लॉकेट। बेटी बाप, बेटी बाप वो दुर्जन सिंह 15 साल पहले मेरा पुलिस स्टेशन चला कर चला गया। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई हमेशा के लिए। ये बिन बुलाए बारा थी, इनकी वजह से आज मेरी बेटी मुझे मिल गई। हाँ, इनकी वजह से शुक्रिया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम बोलने के काबिल नहीं हो और मैं समझाने के लायक नहीं बचा। मैं सही कह रहा हूं दुर्जन? दुर्जन नहीं, दुर्जन सिंह जी कहो। दुर्जन सिंह जी, वो सूटकेस उन्हीं के पास है। और जानना ही चाहते हो तो सुनो, वो लोग पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी तुम्हारी तरह चोर लफंगे हैं वो। हम जैसे नहीं, तुम लोगों की तरह उचक्के। महाराज आप तोप हैं, आप किंग हैं। किंग कोबरा है, आप बादशाह है जापना। इस पर आप डायलॉग बाद में मारिएगा, लेकिन कुछ करिए उन 50 करोड़ का, मुश्किल में हम पड़े हुए हैं। करेंगे तो हम ऐसा कि जमाना देखेगा। इस बार का खेल बहुत भयानक होगा।